4.7 मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम मोस्लेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोस्ले 1887 से 1915 ने तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। तब उन्हें तत्वों की एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। मेंडलीफ के समय परमाणु भार तत्व की पहचान थी। मोस्ले के काम से परमाणु के एक और गुण की पहचान हुई, जिसे परमाणु संख्या कहा गया, जो तत्व की विशिष्ट पहचान बनी। यह किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इस आधार पर उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। अतः उन्होंने मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधन कर 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं को बदल दिया। इसके अनुसार मेंडलीफ आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। इस आवर्त सारणी का दीर्घ रूप उपयोग में लाया जाता है, लेकिन वह रूप जो सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है वह है आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तीर्ण रूप। 4.8 आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोर ने मोस्ले के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। उस समय तक ज्ञात 92 तत्वों को उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। वर्तमान में परमाणु संख्या 92 के बाद वाले संश्लेषित तत्वों परमाणु संख्या 118 तक को इस सारणी में स्थान मिल चुका है। परमाणु संख्या 113, 115, 117 तथा 118 वाले तत्वों के IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामों को 8 नवंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया। इस सारणी में 18 ऊर्ध्वखाने हैं। इन्हें वर्ग या समूह ग्रुप कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त पीरियड कहते हैं। समूह, जिस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की समूह में स्थिति संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया। समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। समूह 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समूह 3 में लैंथेनम LA परमाणु संख्या 57 के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी में नीचे स्थित हैं, जिन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। इसी प्रकार समूह 3 में ही एक्टिनियम AC परमाणु संख्या 89 के पश्चात 14 तत्व सारणी में नीचे स्थित हैं, जिन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। इन्हें मुख्य सारणी के नीचे इसलिए दर्शाया जाता है ताकि आवर्त सारणी का स्वरूप सुविधाजनक हो। आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, अतः
यह अलग अलग समूह के तत्व हैं, किंतु इनमें कोशों की संख्या समान होने के कारण ये एक ही आवर्त के तत्व हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस आवर्त के तत्व हैं? विभिन्न कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n स्क्वायर के द्वारा ज्ञात की जाती है, जहां n बराबर कोशों की संख्या है। जैसे k कोश बराबर 2 गुणित कोष्ठक में 1 की घात 2 बराबर 2। इसलिए प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। उपरोक्त आधार पर तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? यदि M कोश में अधिकतम संभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की जाए तो वह 18 प्राप्त होगी, किंतु आप जानते हैं कि बोर-बरी नियम के अनुसार बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। चूंकि यहाँ M कोश बाह्यतम कोश है, अतः इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और यही कारण है कि सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। इसके आगे के आवर्तों में तत्वों की संख्या का निर्धारण कोश में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के अन्य नियमों के अनुसार होता है, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के आरंभ के 3 आवर्त लघु आवर्त कहलाते हैं। इनमें क्रमशः 2, 8 और 8 तत्व होते हैं। इसके बाद के 2 आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। इनमें 18, 18 तत्व होते हैं। 6वें आवर्त में 32 तत्व हैं। वर्तमान में 7वें आवर्त में भी 4 नए तत्वों की खोज के साथ 32 तत्व हो चुके हैं। 4.8.1 आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हाइड्रोजन के द्वारा ऋणायन H- आयन और धनायन H+ आयन दोनों बनाने की क्षमता के कारण वह रासायनिक गुणों में समूह 17 के सदस्यों जो ऋणायन देते हैं और समूह 1 के सदस्यों जो धन आयन देते हैं दोनों के समान हैं। इसलिए मेंडेलीफ की आवर्त सारणी की तरह ही आधुनिक आवर्त सारणी में भी उसका स्थान अनिश्चित है, लेकिन हाइड्रोजन को सामान्यतः समूह 1 के शीर्ष पर दर्शाया जाता है।